दोस्तों आपके अपने चैनल डिजिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चैप्टर क्या है दोस्तों, समानता। इंग्लिश क्या है दोस्तों, एनालॉजी। दोस्तों इसके पहले हम चार पार्ट देख चुके हैं, ये हमारा पांचवा पार्ट है। तो देर न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 तक हो गया है, आज हम 60 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 60, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक उल्टा छतरी टाइप का बना है। अब इसको हम क्या किए हैं दोस्तों, इस वाले चित्र को हम यहाँ पे देखिए, इसको 90 अंश क्या किया गया है, रोटेट कर दिया गया है क्लॉकवाइज। तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 90 अंश क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो कैसी आकृति आएगी दोस्तों, देखिए जब इसको आप 90 अंश रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस टाइप का दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया है दोस्तों, एक त्रिभुज बनाया है जिसकी एक भुजा पे कितना है, 2 पाही, और एक कोने पे एक छोटा सा गोला और अगली भुजा पे 1 पाही। देखिए क्या किया है, इसके मध्य से एक रेखा खींचा है और इसको क्या किया है दोस्तों, कितने अंश पे इसको घुमाया है, देखिए ये वाला भाग पूरी तरह तरीके से क्षैतिज हो गया है। देखिए इसको यहाँ से ऐसे करके इसको घुमा दिया है, कितने अंश पे दोस्तों घुमा है, देखिए यहाँ पे आएगा तो 45 होगा, फिर ऊपर जाएगा तो मतलब 180 अंश पे ऐसे क्लॉकवाइज इसको घुमाया गया है और उसके बीच से रेखा ऐसे खींची गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप घुमाएंगे यहाँ से तो एक किस 180 अंश पे इसको घुमाएंगे तो दोस्तों किस टाइप का हो जाएगा, ऐसे बनेगा इस आकार का और बीच में ऐसे एक रेखा होगी। देखिए अब बीच से अंदर की तरफ एक गोला है ही तो बाहर की तरफ भी एक गोला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी एक गोला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 रेखा है तो इसके विपरीत साइड जिस भुजा में था उसके विपरीत साइड हो गया है तो नीचे आएगा तो कहाँ पे दो रेखा हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करके 2 रेखा हो जाएगी, यहाँ पे एक सिंगल रेखा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 तीर है, अब इसको ये वाली तीर है अपने ज्यों के त्यों स्थान पे ऐसे ही है और इस वाले तीर को कितने अंश पे घुमा दिया गया दोस्तों, 45 अंश, 45 डिग्री पे इस तरह से इसको घुमा दिया गया है। अब इसमें भी दोस्तों क्या किया जाएगा, तो ऐसे दो तीर ऐसे बनी रहेगी और इसको क्या कर देंगे दोनों तीर को दोस्तों, 45 अंश पे घुमा देंगे, 45 अंश पे घुमाएंगे तो इस तरह की एक आकृति बनेगी। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या है, दोनों तीर नीचे कर दिया है, इसमें इस तीर को उल्टा सिर्फ कर दिया है और इसमें देखिए तीर नीचे कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 में क्या किया है, और देखिए यहाँ पे एक छोड़ के एक क्या थी, खाना दिया गया था तो एक इसको क्या किया है, एक खाना पीछे कर दिया है और इसमें जो खाने थे दूसरे वाले लाइन में जितने खाने थे सबको भर दिया जो खाली थे, और तीसरा जो है ज्यों का त्यों है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे देखिए पीछे आया तो यहाँ पे भी एक लाइन बढ़ जाएगा, तो जैसे देखिए ऐसे इस टाइप का होगा, तो जो खाली है इसको
ये क्रॉस आ गया और इसमें तीनों चारों क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, और जो नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमको 63 का ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए दोस्तों 64 में क्या किया है, यहाँ पे क्या है दो, सॉरी तीन क्या है खटभुज है, और एक क्या है रिंग है, और दो छोटे छोटे त्रिभुज है यहाँ पे, और नीचे वाले तीनों आकृतियाँ क्या है दोस्तों विदाउट कलर है, ऊपर की तीनों आकृतियाँ कलर है। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, देखिए जो कलर थी इसको क्या कर दिया है, सिंगल कर दिया है, और जो यहाँ पे था इसको यहाँ पे कर दिया है, और जो यहाँ था वहाँ कर दिया, मतलब सब आकृतियाँ अपने विपरीत साइड चली गई हैं, और जो तीनों आकृतियाँ थी उसको क्या कर दिया है, जो तीनों आकृतियाँ दिख रही थी उसको एक आकृति कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तीन आकृति यही है, तीन तीन आकृति के क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बड़ी आकृति छोटा छोटा, तीन ठो वर्ग था तो एक बड़ा वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाए, तीनों देखिए यहाँ पे क्या था, तीनों कलर थे तो आ गया यहाँ पे क्या हो गया कलर में, अब यहाँ तीनों भी क्या है दोस्तों कलर में है, तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों कलर में हो जाएगा, यहाँ तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों के स्थान पे देखिए छोटा छोटा गोला हो गया अपने विपरीत दिशा में, तो इसके स्थान पे अपने विपरीत दिशा में छोटा छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तीन गोला हो जाएगा, गोला के स्थान पे क्या हो जाएगा छोटा छोटा तीन त्रिभुज हो गए। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और इस साइड त्रिभुज की साइड गोला था तो यहाँ पे गोला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 64। 64 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 65 का, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है दो, एक त्रिभुज है, और हर कोने पे क्या है त्रिभुज विदाउट कलर है, वो सब कलर में है। अब सबको क्या किया है दोस्तों अपने एंटी क्लॉकवाइज क्या किया है, एक रोटेट करा दिया है, एक एंटी सबको एंटी क्लॉकवाइज आपस में चित्रों को रोटेट करा दिया है, और एक विदाउट कलर था तो कलर हो गया है। अब यहाँ पे कलर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विदाउट कलर हो जाएगा, जो त्रिभुज बनेगा बिना कलर का, और ये वाले सब त्रिभुज थे देखिए कलर में, थे सब विदाउट कलर हो गए, तो यहाँ पे विदाउट कलर है सब कलर हो जाएंगे, अपने बाएं तरफ एक एक रोटेट हो जाएंगे, ये यहाँ था तो यहाँ पे आ जाएगा बाएं साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों खटभुज हो जाएगा, अभी जो सर्किल था सर्किल यहाँ पे हो जाएगा, वो जो वर्ग था यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब में क्या हो जाएंगे, ये सब कलर हो जाएंगे, कौन सी आकृति इस टाइप की दिख रही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है एक तीर बनी हुई है इस टाइप की ऐसे, अब इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, देखिए अब इसको हम चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज कितने अंश पे हों, देखिए यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे होगा, इसको ऐसे उल्टा कर दिया गया है, नीचे से उठा के ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस आकृति को घुमाएंगे दोस्तों कैसे बनेगा, अब इस आकृति को जब घुमा देंगे तो इस आकृति की बन जाएगी, देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इस ऑप्शन ऐसे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए 67 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या था एक ऐसे तीर बना था, तो अगले में इसके विपरीत दो ऐसे तीर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक ऐसे इस टाइप का एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी के विपरीत क्या हो जाएगा दो इस टाइप का ऐसे हो जाएगा दो तीर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसे दोस्तों सही होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 में क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या था, एक त्रिभुज जो था अंदर है, उसके बाहर क्या है दोस्तों, वर्ग है। तो क्या हो गया है, त्रिभुज क्या हो गया, चतुर्भुज, और जो चतुर्भुज था क्या हो गया दोस्तों, पंचभुज हो गया है। ठीक है, देखिए उसमें क्या है, पांच भुजा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक वर्ग है, वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचभुज हो जाएगा, सब में एक एक भुजा बढ़ गई है तो पंचभुज हो जाएगा, और जो पंचभुज है क्या है दोस्तों, खड़भुज हो जाएगा, और जो खड़भुज है इसमें क्या हो जाएगा, शतभुज, इसमें सात भुजाएं होंगी। तो कौन सा ऑप्शन देखिए दोस्तों सही होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, 69। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक पंचभुज है, उसके बाद क्या है, त्रिभुज है, और उसके आगे क्या है, एक सर्किल है, वृत्त है। और देखिए सबको क्या कर दिया गया है, एक एक बढ़ा दिया गया है, इसको इधर कर दिया गया, इसको आगे, इसको सबसे आगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जब इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, सब ये वाला भाग यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और सबसे आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाली आकृति। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए कहाँ पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है उसके अंदर एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे क्या हो गया है दोस्तों, दो दो चतुर्भुज, और उसके अंदर क्या है, एक सर्किल है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो दो पंचभुज है, अब तो दो पंचभुज का देखिए, यहाँ त्रिभुज था चतुर्भुज हो गया दो, यहाँ पंचभुज है, तो दो क्या हो जाएगा दोस्तों, खटभुज हो जाएगा, अब दो खटभुज के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सर्किल। तो देखिए कि इस तरह की कौन सी आकृति दिख रही है दोस्तों सही, और दोनों सब किनारों पे क्या है दोस्तों, सबको किनारों किनारों पे टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तो खटभुज है, लेकिन कहीं कहीं पे अंदर वाले खटभुज को क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ इसमें टच करना पड़ेगा, इसमें टच किया है तो इसमें भी टच करना होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन 70 क्या है दोस्तों, 70 का देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे देखिए कितने पत्तियाँ हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और बीच में, और सब में पत्तियों जो देखिए कि यहाँ पे रेखा थी, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, सब में दो दो पत्तियाँ हो गई, और एक संख्या क्या हो गई है, कम हो गई। देखिए यहाँ पे क्या है, 3, 3, 6, इसमें कितना थी, 7 थी, तो 6 हो गई है। अब इसमें देखिए कितना है दोस्तों, 3, 3 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, अगले वाले चित्र में एक कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब कितनी रेखाएं खींची गई हैं अंदर दोस्तों, 1, 2, 3 रेखाएं खींची गई हैं छोटी छोटी, तो 3 है तो 1 बढ़ जाएगी, तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी दोस्तों, 4 रेखाएं हो जाएंगी। तो सब में 4-4 रेखाएं हो जाएंगी, और 4 भुजा हो, 4 पत्ती होगी। तो कौन सी आकृति देखिए दोस्तों, 4 आकृति इसी में है, और सब में 4-4 है, देखिए 1, 4 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 में कौन सा सही होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 4 छोटे छोटे वृत्त हैं, उसके नीचे वाले सिर पे क्या है, एक त्रिभुज बना है। अब इसको क्या किया है दोस्तों, रोटेट कर दिया है ऊपर की तरफ 180 अंश पे, और उस आकृति की डबल आकृति, दो आकृति हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाली आकृति अंदर है, तो इसको जब रोटेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, इस तरह से होगा आप ये आकृति, सॉरी देखिए ऐसे करके ऐसे दो आकृति बनेगी, इसमें 3 ठो 4 ठो गोला छोटा छोटा बनेगा ऐसे। ठीक है,
तो इससे कितनी आकृतियां हो जाएंगी दोस्तों, दो आकृतियां। तो कौन से ऑप्शन हमारा ऐसे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक पत्ती थी तो क्या हुआ, उसमें इसको रोटेट करके उसको इसके ऊपर जैसे इसको रोटेट कर दिया गया है और दो पत्तियां करके ऐसे बना दिया गया है, इसमें एक छोटी सी बिंदी दी गई है। अब इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, रोटेट करेंगे, रोटेट करके जैसे इसको ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, इसी के अंदर छोटा सा एक है ऐसे बनाएंगे, इसमें एक छोटा सा बिंदी देंगे, अब ऊपर ऐसे कर देंगे और नीचे भी इसी तरह से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी आकृति सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक क्या है चतुर्भुज है, उसे चारों कोनों का आपस में मिला दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चतुर्भुज के अंदर छोटा सा एक चतुर्भुज बना के देखिए यहाँ पे क्या किया है, ऐसे सॉरी देखिए यहाँ पे ऐसे एक चतुर्भुज जो दिया है ऐसे बना हुआ है, अब उसके अंदर एक छोटा सा चतुर्भुज ऐसे करके बनाया है। अब देखिए सबको मिलाने के बाद क्या किया है दोस्तों, सब कोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे भी छोटा छोटा एक चतुर्भुज बनाया है चारों कोनों में। तो यहाँ भी देखिए क्या है दोस्तों, एक वृत्त है, अब वृत्त के अंदर क्या करना है दोस्तों, अब वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे, अब वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त बना के क्या करेंगे, उसमें छोटा सा वृत्त बना के छोटा छोटा गोला कर देंगे। देखिए सब में, इसमें सब में एक एक में है तो सब में एक एक हो जाएगा जैसे बिंदी टाइप में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखिए दोस्तों 75 में क्या दिया है, अभी एक तीर ऐसे बनी है, देखिए इस तीर को क्या किया गया है, कितने अंश पे रोटेट किया गया है दोस्तों, 90 अंश। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आता तो 45 होता, और फिर यहाँ से 45 घुमा है इस ऐसे हुआ, तो कितना अंश रोटेट किया है दोस्तों, 90 अंश। तो ये था यहाँ था तो यहाँ आ गया, तो 90 अंश रोटेट हुआ है दोस्तों, और जो कलर था वो विदाउट कलर हो गया है। ठीक है, अब इसको 90 अंश रोटेट कराएंगे दोस्तों, यहाँ है तो कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे रेखा आ जाएगी, ऐसे बनेगा। देखिए ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये वाला भाग यहाँ पे चला जाएगा विदाउट कलर, और ये वाला विदाउट कलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 74 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था, जेड था और यहाँ पे दोनों सर्कल थे, तो क्या हुआ दोस्तों, आपस में दोनों क्या हुए हैं, चेंज हो गया है, ये यहाँ था तो यहाँ आ गया है, ये भी यहाँ था तो यहाँ आ गया है, और बीच में जो है वैसे का सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ एक, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जब चेंज होगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा देखिए क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, एक सर्किल है, उसी के अंदर एक त्रिभुज है और उसे एक गोला सटा हुआ है। अब दोनों आकृतियाँ क्या हुई, आपस में क्या हुई दोस्तों, चेंज हो गई हैं, इसका मतलब क्या है, इसका ये मिरर इमेज है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसका मिरर इमेज। अब इसका ये मिरर इमेज क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसमें एक यहाँ पे पहले एक गोला आ जाएगा इसके अंदर, फिर एक जो कलर यहाँ पे आएगा एक कलर वाला दूर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 77 78। देखिए दोस्तों 78 में क्या है, तीन छोटे छोटे गोले थे, अब क्या है, तीनों को मिलाने के बाद एक त्रिभुज बन रहा है। अब चार छोटे छोटे हैं जैसे इस टाइप का, अगर तीनों मिला रहे हैं तो एक त्रिभुज का आकार बन रहा है दोस्तों ना, तो चार चार ठो यहाँ पे चारों को मिलाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इस टाइप का आकार बनेगा, कौन सा, चतुर्भुज ऐसा।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था, दो खाने थे, एक रेखा खींची गई है। अब एक खाना और यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, ऐसे त्रिभुज टाइप का है, बीच से ऐसे रेखा खींची गई है। अब यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, एक ऐसे बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इस टाइप का दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे एक वर्ग बना है, उसके अंदर एक क्या है, सर्किल है, सर्किल या रिंग मान सकते हैं दोस्तों, चाहे सर्किल कहिए चाहे रिंग कहिए, ऐसे बना है। अब देखिए दोस्तों क्या किया है, दोनों को, दोनों आकृतियां देखिए दोस्तों क्या है, सेम सेम ही दिख रही हैं। तो अब देखिए यहाँ और दोनों क्या किया गया है, यहाँ से भी कट कर दिया गया है, यहाँ से भी, और इस वाली छोटी छोटी आकृतियों को भी कट कर दिया गया है। देखिए अब ये ए वाली भी ज्यों का त्यों ऐसे बनी रहेगी, ऐसी आकृति, सिर्फ क्या होगा ये दोनों क्या होंगे आपस में, यहाँ भी कट, ये वाली भी कट जाएगा अपने बीच से, और ये वाली भी कहाँ से कट जाएगा, बीच से ऐसे कट हो जाएगा छोटा छोटा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 71। देखिए 71 में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए ये क्या था, कितने अंश पे इसको रोटेट किया गया है दोस्तों? 90 अंश। देखिए ये वाला भाग यहाँ तो था, यहाँ पे आ गया है, इसको 90 अंश क्या किया गया है दोस्तों, रोटेट कर दिया गया है। या तो आप कह सकते हैं इसका ये क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा दोस्तों? देखिए इसका जब मिरर इमेज आप बनाएंगे ऐसे करके, जब इसका मिरर कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये वाला भाग नदी हो जाएगा और वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, दूर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी आकृति बनेगी दोस्तों? देखिए इस टाइप की आकृति ऐसे बन जाएगी, ठीक है। जब इसका मिरर इमेज बनाइए, या तो इसको 90 अंश राइट साइड रोटेट करा दीजिए, जब आप भी इसको 90 अंश रोटेट करा देंगे तो इस टाइप की आकृति बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 देखते हैं, 82 देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितने तीर थी, 5 तीर है और 3 ऊपर है 2 नीचे है। तो आगे हो गया दोस्तों पंचभुज, यहाँ पे देखिए क्या है, 6 तीर है, 3 नीचे है 3 ऊपर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, खटभुज हो जाएगा। 5 तीर थी तो पंचभुज, 6 तीर है तो खटभुज। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? 72 का बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 83। देखिए 83 में कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों? देखिए ये तीर बाहर थी और ये अंदर था, तो तीर अंदर आ गई, ये बाहर चला गया अंदर की साइड। तो अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा और तीर कहाँ जाएगी दोस्तों, बाहर चले जाएगी, इस साइड आ जाएगी, जैसे ऐसे होगा। तीर की दिशा देखिए दोस्तों, मतलब इसका ये हुआ कि ये रोटेट किया है कितना अंश, 90 अंश बाएं साइड, यहाँ तो था, तो इसे रोटेट करेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, देखिए दोस्तों कहाँ पे जाएगा, ये वाला जब रोटेट करेगा ये बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये जो अंदर है, जो बाहर है उसे ये अंदर हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इस टाइप का दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 84। 84 कौन सा ऑप्शन सही होता है देखो दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या था, दो बॉक्स बना हुआ है, अब दोनों कोनों को क्या किया गया है, मिला दिया गया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ एक ही बॉक्स है, अब दोनों कोनों को ऐसे मिला देंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन देखिए कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 85। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 9 त्रिभुज सेम टू सेम है, बीच का भाग थोड़ा सा काट के निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, अभी इस वाले भाग में क्या किया है, छोटा सा भाग काट के निकाला है। तो
अब आगे वाला भाग कैसा होगा दोस्तों, देखिए 85 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या है, तो कौन सा आकृति सही होगी दोस्तों। पूरा बॉक्स ऐसे बन जाएगा, अब इसके अंदर ये कैसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए 86 में देखिए दोस्तों क्या था, यहाँ पंचभुज था, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया है, दो त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या है कितनी भुजाएं हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अष्टभुज है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दो चतुर्भुज है। देखिए दो चतुर्भुज कहाँ है दोस्तों, एक ये है एक है। तो 86 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 87। देखिए 87 में कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है 87 में, देखिए दोस्तों, देखिए इसमें 90 अंश क्या किया गया है, सब आकृति को बाएं साइड रोटेट करा दिया गया है। जब 90 अंश इसको रोटेट करा देंगे बाएं साइड, देखिए दोस्तों ये वहां था तो यहाँ चला गया है, यहाँ था तो यहाँ चला गया है, यहाँ था तो यहाँ आ गया है, और यहाँ था तो यहाँ चला गया है। सब अपने अपने स्थान से एक दूसरे से क्या हुए हैं दोस्तों, चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों सब आपस में चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, अब ए वाला यहाँ चला जाएगा, ए वाला यहाँ चला जाएगा, ए वाला यहाँ और ए वाला यहाँ, तो कौन सी आकृति देखिए दोस्तों मिलती है। जब ए वाला यहाँ पे जाएगा दोस्तों, देखिए ए हो गया, अब ए वाला यहाँ जाएगा तो ए हो गया, ए वाला यहाँ आएगा तो ए हो गया, ए वाला यहाँ आएगा तो ए हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 88। देखिए 88 में कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों, देखिए एक आदमी जैसा बना है, अब इसका क्या है, मिरर इमेज, ठीक है दोस्तों, ये क्या है इसका, ये मिरर इमेज। अब इसका मिरर इमेज आप बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 88 का देखिए ये वाला भाग इससे सटा रहेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। अभी ये देखिए क्या था, यहाँ चतुर्भुज था, तो चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज हो गया है, एक कम मतलब चार भुजा था तो इसके अंदर तीन भुजा हो गई है। यहाँ पंचभुज है तो पंचभुज के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके पंचभुज के अंदर चतुर्भुज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए पंचभुज है, पंचभुज के अंदर चतुर्भुज कहाँ पे है, तो पंचभुज के अंदर ऐसे चतुर्भुज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।